छत्तीसगढ़ में कोरोना को हराने के लिए भूपेश सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संक्रमण की रफ्तार भले ही तेज हो लेकिन इसे मात देने की तैयारी भी जोर शोर से जारी है। व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर सरकार सतर्क, इंतजाम में नहीं छोड़ रही कोई कसर। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ अव्वल। जागरूकता के लिए 600 वॉलेंटियर्स जाएंगे घर घर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इससे युद्ध स्तर पर लड़ाई छेड़ रखी है। संक्रमण की रफ्तार जितनी तेज है उससे मात देने के इंतजाम भी उतने ही पुख्ता हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच, इलाज तथा कोरोना टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलाज के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, कमी नहीं होने दी जाएगी। जो कोविड टेस्टिंग की जो स्थिति और व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण एवं संक्रमितों की पहचान के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच की जा रही है। प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी पर अब तक 2,04,420 सैंपलों की जांच की गई है। अधिक सैंपलों की जांच होने पर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ उन गिने चुने राज्यों में है जहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। यहां प्रति 10 लाख में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। मौजूदा हालात में रोजाना 10 लाख आबादी पर 1435 टेस्टिंग की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना 10 लाख आबादी पर 929 टेस्टिंग ही की जा रही है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है। अब तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर भी RT-PCR टेस्टिंग शुरू की जाएगी। हम ज्यादा से ज्यादा जांच करें और आज लगभग 39,000 बहुत सारे प्रदेश हैं। मैं पहले भी बताया कि बहुत सारे प्रदेश हैं, हम मुश्किल से देश के चौथे तीन बड़े राज्यों में हमारा नंबर आता है। छोटे राज्य लक्षद्वीप वगैरह, सिक्किम वगैरह छोड़ दें तो हमारा जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत हाई है। हमारे वैक्सीनेशन हमारे सबसे ज़्यादा है, हम 12%, मतलब अभी कोई बड़ा राज्य हमसे अधिक नहीं है। महाराष्ट्र वगैरह बस छोड़ दीजिए जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी हो रहे हैं, लेकिन इनको छोड़ दीजिए तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, टेस्टिंग में भी वैक्सीनेशन में। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भूपेश सरकार ने 36 स्पेशलाइज्ड कोविड हॉस्पिटल्स और 66 कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना की है। प्रदेश के 78 निजी अस्पतालों में भी इलाज की अनुमति दी गई है, जिनमें कुल 16,207 बेड की व्यवस्था है। इसमें 3,446 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड, 902 SDU और 1,167 ICU बेड शामिल हैं। भूपेश सरकार ने ठाना है कोरोना को हराना है। कोरोना का कोई भी लक्षण हो महसूस, टेस्टिंग कराएं जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।